में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसी कड़ी में सोनीपत की कुंडली नगर पालिका में चुनाव से पहले क्षेत्र का जायजा लिया गया। इस दौरान लोगों के पानी, बिजली, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे सामने आए। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार साथियों, मैं लाजपत हरियाणा न्यूज के लिए कुंडली क्षेत्र में हूँ और कुंडली नगर पालिका और नगर निगम का एरिया है। नगर निगम का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है। यहाँ पर जो है क्षेत्र जो है वो दिल्ली एनसीआर के नज़दीक है। पहला जो क्षेत्र है वो हरियाणा का दिल्ली के नज़दीक होना और कुंडली में चुनाव होना लोगों के लिए ये अब चुनौती बनती है कि कैसा नेता चाहिए, कैसा व्यक्ति चाहिए, क्या विकास चाहिए, क्योंकि ये गलियां, जो ये रोड, ये पानी और बिजली की समस्या लोगों को मिलती है। अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपना वोट देकर ही सामने आएंगे। लोग उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा नेता, कोई अच्छा व्यक्ति इस क्षेत्र का विकास करे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का नज़दीक होना और कुंडली क्षेत्र होना और लगातार विकास की बात करें तो लगातार हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दिल्ली के नज़दीक है और दिल्ली नज़दीक होना और विकास की, यहाँ पर कहीं ना कहीं विकास की जो सबसे बड़ी मांग है। क्या चाहते हैं, कैसा नेता चाहिए, क्योंकि अब चुनाव है? ऐसा नेता चाहिए जैसे जी रोड सही हो जाए, पानी, यहाँ आने जाने के लोगों की सुविधा नहीं रहता, पूरा पानी भरे रहता, समस्या रहती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लोगों से औरों से भी बातचीत करेंगे, कैसा नेता चाहिए, क्योंकि अब विकास की जरूरत है और लगातार यहाँ पर अब चुनाव है। जैसा आप देख रहे हो सर, यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है और पानी का लेके मतलब इतना पानी, और पानी के टाइम में सारी रोड भर जाती है रात रात। कैसा नेता चाहिए? नेता बढ़िया नेता हो, ऐसा वैसा तो नहीं चलेगा जी। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लोगों ने बताया कि काफ़ी तरह की समस्याएं हैं, गलियों की है, पानी की है, अनेक तरह की समस्या है, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा नेता उनको चाहिए। हरियाणा न्यूज के लिए कुंडली से लाजपत।